नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम कुछ टॉपिक्स पे बात करेंगे। जैसा कि टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है कि समाजशास्त्र 2024, तो कुछ ऐसा नहीं है कि समाजशास्त्र 2024 में बदल जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था कि समाजशास्त्र की जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन की, उनके लिए 2024 में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या अवसर है उनके पास, तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत आभार जो आपने इस YouTube चैनल को 50,000 सब्सक्राइबर से पार पहुंचाया, और जो व्यूज है वो भी 50 लाख से ज्यादा हो गए हैं। इसी प्रकार से अपना प्यार है वो बरसाते रहिए, और इसी से एक टीचर को मोटिवेशन मिलता है। और 2023 की तरह 24 में ही लगातार बने रहिए साथ, और आपको 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो चीज आप 2023 में नहीं हासिल कर सके वो 2024 में हासिल करो, ऐसी मेरी दुआएं हैं, वो आपके साथ है। अभी कुछ दिन पहले UPPGT का एग्जाम आया था, और उसमें बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। संख्या तो नहीं बता सकता, लगभग 250 कॉल मेरे पास आए सिर्फ धन्यवाद के लिए, और मैं सारे कॉल है वो अटेंड भी नहीं कर पाया। तो इसलिए मैं माफी भी चाहूंगा कि सारे कॉल में अटेंड नहीं कर पाया। और आगे किस प्रकार के आपके क्वेश्चन होते हैं, उन क्वेश्चनों पे मेरी क्लास है, और 2024 में कौन कौन सी एग्जाम हमारी आएगी, उनकी हम प्रिपरेशन कैसे करें, इन पे भी हम चर्चा करने वाले हैं। कि 2024 में कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है और उसके लिए हम तैयारी है वो किस प्रकार से करें, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट में लिख दीजिए, हम अंत में डिस्कस करेंगे। मुझे पता है कुछ क्वेश्चन तो मुझे पहले से ही पता है, और कुछ आपके और है तो वो भी आप यहां पे लिख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि 2024 में कौन कौन से एग्जाम है। देखो, अभी UGC नेट का एग्जाम तो साल में दो बार होता है, और जिसके लिए अप्रैल में लगभग फॉर्म या मार्च अप्रैल में फॉर्म मांगे जाएंगे, और उसके साथ साथ में आप टारगेट लेके है वो GRF का लेके चल सकते हैं। PGT यानी स्कूल लेक्चरर है वो बिहार में दोबारा आने वाली है। यूपी में अभी इस साल में एग्जाम होगा, राजस्थान में अभी आई नहीं, आने की संभावना है। MP में हो चुकी है और हरियाणा के अंदर भी हो चुकी है। इसी प्रकार जो भी डिटेल होती है वो मैं, जो मेरा टेलीग्राम चैनल है और जो ऐप है उस पर डालता रहता हूं सूचना, सोशियोलॉजी क्लासेज इन हिंदी। प्ले स्टोर से जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, यहां पे हमारी पेड क्लासें होती है, और साथ में कुछ कंटेंट है वो इंफॉर्मेशन आपको यहां पे फ्री भी मिलती है। तो पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन सी किताबें हैं वो हमें पढ़नी चाहिए, तैयारी है वो किस प्रकार से करनी चाहिए। ये जितने भी एग्जाम है, PGT का है, स्टेट का है, UGC नेट का है, असिस्टेंट प्रोफेसर का है, यूपी में आने वाला है, राजस्थान में अभी होगा, हरियाणा में भी आने की संभावना है अभी, और इस प्रकार से और भी स्टेट में, उत्तराखंड में अभी एग्जाम है, और अभी दिल्ली के अंदर सोशल वेलफेयर ऑफिसर की वैकेंसी आई है जिसके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, जिसमें सोशियोलॉजी और सोशल वर्क के जो स्टूडेंट है वही अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं, इसकी डिटेल है वो मैंने बताया कि प्ले स्टोर से उस ऐप पे, और या फिर जो टेलीग्राम चैनल है उस पे आपको मिलती रहती है। टेलीग्राम का और इस प्ले स्टोर ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इसको लोग डाउनलोड कर सकते हैं या जुड़ सकते हैं। तो ये वैकेंसीज है। अब क्वेश्चन आपके ज्यादातर यही रहते हैं कि सर तैयारी कैसे करें, कौन सी पुस्तकें पढ़ें, और कुछ क्वेश्चन तो अब ऐसे भी आते हैं कि सर UPPGT में आपकी दया से हो गया है, अब पढ़ाना कैसे है। अपने आप आ जाएगा, बस आप मेहनत करने के लिए तैयार रहें। जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, उन पे अपना प्यार, अपनी मेहनत लुटाने के लिए तैयार रहें, और जो आप जितना स्टूडेंट को दोगे
उससे हजार गुना आपके पास लौट के आएगा। वो ऑटोमेटिक सब सीख जाओगे, बस अपने जो सरकारी पोस्ट पे एक जो इमेज होती है ना कि सरकार का जवाई बनना है, दामाद बनना है, वो नहीं करना है। मेहनत करनी है, बच्चों का भला करना है। भला करेंगे कर भला सो हो भला। तो एक बार मैं बुक्स पे और तैयारी कैसे करनी है उस पे चर्चा कर लेता हूं, जो भी आपके एग्जाम रहते हैं उन सब की, और उसके बाद में आपके जो भी कमेंट रहेंगे उन पे चर्चा हम करेंगे। तो ये कुछ बुक्स का मैं बता रहा हूं जो सभी एग्जाम के लिए, देखो जितने भी समाजशास्त्र के एग्जाम होते हैं, परीक्षाएं होती है, उनमें मान के चलिए कि लगभग 70% सिलेबस, 70% सिलेबस एक जैसा होता है, और कुछ अलग होता है उसके लिए मैं अलग भी बता दूंगा। पहला है, सबसे पहले आप शुरुआत कीजिए एनसीईआरटी कक्षा 11 एवं 12। कोई भी एग्जाम है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कक्षा 11 हो, 12 हो, बीए हो, एमए हो, पीसीएस हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, यूपीएससी हो, ये बेस है हमारा। एनसीईआरटी में हम कक्षा 11-12 में समाजशास्त्र की एबीसीडी सीखते हैं, और ये बड़ी सुंदर तरीके से लिखी गई है एनसीईआरटी, जो ये एक समझ विकसित करने के दृष्टिकोण से लिखी गई है। लैंग्वेज इसकी थोड़ी टफ है पढ़ने में, तो उसको मैंने इजी करके यूट्यूब के आपके सामने प्रस्तुत कर दिया है। कुल 20 यूनिट है कक्षा 11 और 12 की, 20 की 20 यूट्यूब पर है, वहां से आप पढ़ सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको समझ पाएंगे, और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी आपको वहां पे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अब आगे है दूसरे नंबर पे साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा की समाजशास्त्र की बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं। एक पुस्तक तो बड़ी आती है जिसमें सारा का सारा होता है, लगभग 1000 रुपए उसकी प्रिंट है, 600-700 रुपए में वो किताब आती है। और इसके अलावा भी अगर आपके सिलेबस में सारी चीजें नहीं है तो अलग अलग पार्ट्स में आप ले सकते हैं, ऑफलाइन मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो ऑनलाइन मंगा लीजिए। बुक्स के लिस्ट के नाम बता दीजिए आपके, मैं कमेंट पढ़ पा रहा हूं। तो गुड आफ्टरनून सभी कोई, एक बार पुनः मैं बता रहा हूं कौन कौन सी पुस्तकें हैं और किस प्रकार से अपने को प्रिपरेशन करने हैं, और कुछ और भी क्वेश्चन है मेरे जो बार बार मुझे आते हैं और कॉल पे वही पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा एक बार में ही बता दूं सबको, और उसके बाद में आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनको हम लेंगे। साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा की बड़ी बुक आती है, इसके अलावा छोटी छोटी बुक्स और आती है, जैसे समाजशास्त्र के सिद्धांत बेसिक जो कंसेप्ट है उनके लिए, इंडियन सोसाइटी सामाजिक विचारक, और इसके अलावा और बहुत सारी कम से कम 7-8 पार्ट्स इसके आते हैं, ग्रामीण समाजशास्त्र है। तो इस प्रकार से जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सूट करे, आप उनके राइटर हैं एमएल गुप्ता, मोतीलाल गुप्ता और डीडी शर्मा, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा की पुस्तक है, बहुत अच्छी पुस्तक है, आप पढ़ने में लैंग्वेज उनकी इजी है। तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चाहो तो पूरी बड़ी बुक मंगा लीजिए, नहीं तो छोटी बुक मंगा लीजिए, समाजशास्त्र के सिद्धांत है वो तो मंगा लीजिए, और इंडियन सोसाइटी भी मंगा लीजिए। पेड कोर्स पर थोड़ा डिस्काउंट और कर दीजिए सर। देखो जो मेरे पेड कोर्स हैं बहुत कम मैंने रेट रखे हैं, और अभी उन पे ऑफर भी चल रहा है, 75% ऑफ है। तो पीजीटी 1500-2000 में मिल जाता है, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर 3000 में मिल जाता है, इससे ज़्यादा डिस्काउंट और क्या करेंगे। अगर आप बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के साथ कंपेयर करोगे ना तो कंटेंट में कम नहीं है, कंटेंट फुल है, लेकिन रेट उनके मात्र 20-30% ही मिलेंगे, उनसे 20-30% ही है। देखोगे तो आप वहां पे बहुत मिलेंगे, मैं
नहीं बता सकता यहां। और फिर भी है कोई बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि नहीं कर सकते तो हमसे एक बार संपर्क जरूर कर ले। साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा की बात हो गई। आगे है राउत पब्लिकेशन। राउत पब्लिकेशन समाज शास्त्र का एक बहुत अच्छा पब्लिकेशन है। इनके दो लेखक, अब तो बहुत सारे लेखक आ गए समाज शास्त्र में, लेकिन दो तीन लेखक यहां मुख्य रूप से है। एक एसएल दोषी साहब है और एक उनके साथ ही पीसी जैन जी हैं और राम हाउजा जी हैं। तो ये इनकी अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं। तो रावत पब्लिकेशन की पुस्तक है वो आप देख सकते हैं, ये ऑनलाइन मिल जाएगी। या रावत पब्लिकेशन जयपुर उनका हेडक्वार्टर है, आप डायरेक्ट उनकी साइट पे जाइए, रावत पब्लिकेशन की साइट पे जाइए, वहां पे आप पुस्तकें देखिए, वहां पे आप पुस्तकें देखिए और जो आपको पुस्तक अच्छी लगती है वो ले लीजिए। और मैं मुख्य रूप से कहूंगा कि जो एसएल दोषी, पीसी जैन और राम आहूजा जी की जो पुस्तकें हैं, राम आहूजा जी की पुस्तक है केवल सोशल रिसर्च, वो बहुत अच्छी है अन्य के मुकाबले। और इनके अलावा यहां दो पुस्तकें और है जो हर समाजशास्त्र के विद्यार्थी के पास होनी चाहिए, वो भी राउत पब्लिकेशन की है। वो है हरिकर्षण रावत की समाजशास्त्रीय विश्वकोश, समाजशास्त्रीय विश्वकोश, हरिकर्षण रावत, राउत पब्लिकेशन। और एक है प्रमुख सामाजिक चिंतक, प्रमुख सामाजिक चिंतक, जितने भी समाजशास्त्री हैं, जितने भी समाजशास्त्री हैं उन सबको उस पुस्तक में सजाया गया है, बहुत अच्छे तरीके से उनके बारे में बताया गया है। तो कुछ नई बुक्स आ रही है राउत पब्लिकेशन में, वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। मैंने यहां बताई है राम आहूजा जी की, आप सोशल रिसर्च लीजिए। इसके अलावा आप हरिकर्षण रावत जी की मैंने दो पुस्तकें बताई, अभी तीसरी पुस्तक उनकी है वो सोशल रिसर्च वाली बोले है। और उसके अलावा अपने पीसी जैन और एसएल दोषी जी की पुस्तकें है, मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता और नव समाजशास्त्रीय सिद्धांत, यूजीसी नेट में है, तो वो राउत पब्लिकेशन की है। और तो ये दो प्रमुख पब्लिकेशन है जहां पे बुक्स बहुत अच्छी है समाजशास्त्र की। आगे है ओपन यूनिवर्सिटी या इग्नू यूनिवर्सिटी, इग्नू, इनका कंटेंट बहुत अच्छा है, इनका कंटेंट बहुत अच्छा है। ओपन यूनिवर्सिटी की बुक्स, जो मेरा एप्लीकेशन है, एप है सोशियोलॉजी क्लासेज इन हिंदी के नाम से, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कोई पुस्तक नहीं खरीदना चाहते तो ओपन उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की बुक है, उनका है एक तो समाजशास्त्र का परिचय, बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक इंडियन थिंकर्स की बहुत अच्छी पुस्तक है, इंडियन सोसाइटी की बहुत अच्छी पुस्तकें हैं, लगभग पुस्तकें आपको इन पे मिल जाती है। और ज्यादा आप गहराई में जाना चाहते हैं तो इग्नू की पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं। अब आप कहोगे कि पुस्तकें बहुत ज्यादा हो गई है, यूजीसी नेट का सिलेबस अभी चेंज की इंफॉर्मेशन चल रही है बात, लेकिन अभी कुछ कह नहीं सकते कि होगा ही होगा। और तो ये तो बात हो गई पुस्तकों की, तो अब आप अपने हिसाब से इन पुस्तकों को देख सकते हैं। ज्यादा नहीं लेना चाहते आप, यूनिवर्सिटी की बुक्स है वो डाउनलोड करके उनके प्रिंट आउट है वो ले सकते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि साथ साथ में ऑब्जेक्टिव भी जरूरी होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आप यूथ कंपिटिशन टाइम्स की है, उनमें लगभग 7,500 क्वेश्चन है, तो आप वो ले सकते हैं, साथ साथ उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये तो थी, अब क्वेश्चन आता है कि हम प्रिपरेशन किस प्रकार से करें, तैयारी किस प्रकार से करें। अब ये मैं कोई, हाँ कुछ ऐसे होते हैं जैसे गाइड ले सकते हैं, यूजीसी नेट के लिए अरिहंत की गाइड आती है, बाकी तो गाइडों से पढ़ना कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं रहता है, गाइड की बजाय पुस्तक हम पढ़ें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब देखो आपके क्वेश्चन वही आ रहे हैं कि सर पीजीटी के लिए बताइए, उनके लिए बताइए,
तो मैं ये उन्हीं के लिए बता रहा हूं, कोई ऐसा नहीं है कि ये नहीं होंगे। और सब पे आज मेरा चौथा पांचवा वीडियो है जिसमें मैं बता रहा हूं कि कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। मैंने बीपीएससी के लिए पहले वीडियो बनाया था कि बिहार के लिए हमें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए, उसके बाद यूजीसी नेट के मेरे दो तीन वीडियोज बने हुए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वीडियोज बने हैं कि कौन कौन सी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने बता रखा है। तो आप इस यूट्यूब चैनल पर सर्च करोगे तो सब कुछ आपको मिलेगा। अब आती है कि प्रिपरेशन कैसे करें। चलो ये जो भी क्वेश्चन है वो आपके मैं लास्ट में लूंगा। एक जब कोई वैकेंसी आती है और रिजल्ट आता है तो कुछ साथियों का तो सिलेक्शन हो जाता है, कुछ का नहीं हो पाता है, कुछ का नहीं हो पाता है। तो मैं उनसे एक बात कहूंगा कि समाजशास्त्र एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है लेकिन ये टाइम मांगता है, ये मेहनत मांगता है। आप मेहनत करेंगे, हो सकता है एक बार पहले प्रयास में सफलता ना मिले लेकिन दूसरे प्रयास में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। क्यों बात करें कि प्रिपरेशन कैसे प्रकार करें, हाउ टू प्रिपरेशन, हम समाजशास्त्र को किस प्रकार से पढ़ें ताकि हमारा सिलेक्शन है वो हो सके। तो उसके लिए मैं एक सजेस्ट करना चाहता हूं कि आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं मेरे या पेड कोर्स लेते हैं। तो एक चीज आपको जो भी है कि जो नोट्स होते हैं वो खुद के बनाओ, आप पढ़ो पढ़ो खूब पढ़ो, जितना हो सके पढ़ो, एक दो बार पढ़ो, उसके बाद में दोबारा उसको जब पढ़ो, एक बार पढ़ के छोड़ दो, दोबारा पढ़ो उस चीज कंटेंट को। और अब यही बता रहा हूं कि स्टेट का या किसी भी एग्जाम का कैसे प्रिपरेशन करना है। अब ये वीडियो मैं बताऊं आपको किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है और फिर आप थोड़ी देर बाद में मुझे कॉल आने स्टार्ट हो जाएंगे, सर बताइए प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो यही मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को आप नोट करना। आप जैसे कि एक कोई भी टॉपिक लेते हो, आपने लिया कि समाज एक टॉपिक है, समाज एक टॉपिक है जो हमने लिया, उसको पढ़ लिया हमने, पढ़ने के बाद में उसको एक बार छोड़ दीजिए और उसको बाद दोबारा उसको देखिए, जो चीज आपको याद हो गई है या आप पहले से जानते हैं, जैसे कि समाज की एक डेफिनेशन है मैकियावेली और पेज की कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, ये डेफिनेशन आपको पता है, तो ये चीज आपको पहले से पता है, उनकी पुस्तक सोसाइटी है, तो आप उस पुस्तक को अपने नोट्स के अंदर ऐड मत करिए, उस पुस्तक को जाने दीजिए, वो पुस्तक हमें याद हो चुकी है। अब जो चीज नई है, नई डेफिनेशन है, कोई नई चीज है, सरल और जटिल समाज किसने बताए, सामवी समाज किसने बताए, समाज को सामाजिक तथ्यों के रूप में परिभाषित किसने किया, तो ये चीजें सामान्य चीजें जो हमें पता होती है, तो आप उनको छोड़ दीजिए, उनको नोट्स में नहीं करना है, नोट्स के अंदर वो चीज ऐड करिए जो आपके लिए नई है, जो आपको याद नहीं हो रही है। नोट्स यानी छोटे नोट्स हमेशा खुद के होते हैं, दूसरों के नोट्स होंगे तो वही होगा, किताब ही होगी। और उसको फिर मैं जैसे मैं नोट्स बनाऊंगा तो मैं कई बार की ये परिभाषा जरूर दूंगा क्योंकि नोट्स के अंदर ये चीज मुझे ऐड करनी पड़ेगी, हो सकता है पहली बार पढ़ रहा हूं उसको नहीं पता हो, लेकिन ज्यादातर को ये चीज पता होती है, तो उन चीजों को आप नोट्स के अंदर ऐड है वो मत किया करें। तो इस प्रकार से टॉपिक वाइज टॉपिक नोट्स बनाते जाएं, पहले पढ़ें फिर दोबारा पढ़ें, दोबारा पढ़ें तो चीजें जो आपको लगता है कि ये मुझे याद नहीं हो रही है, इंपॉर्टेंट है, तो आप उनको नोट्स के अंदर ऐड कीजिए। और साथ में जब आपके कुछ टॉपिक्स हो जाएं तब उनके ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हल जरूर करें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल जरूर करके देखें, इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग है और ज्यादा विकसित होती है। तो प्रिपरेशन कहां से करनी है, एनसीईआरटी कक्षा 11 और 12 से करनी है, 10 वीडियोस हैं, आप अच्छी तरीके से उनको देख लीजिए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है वो आपकी विकसित हो जाएगी कि समाजशास्त्र क्या है, उसके बाद में आप चीजों को पढ़ना है वो स्टार्ट कीजिए, वहां पे ज्यादा नोट करने वाली चीजें नहीं है, वहां चीजें समझने वाली है।
ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी आपका सिलेबस है, पहले बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट कीजिए, फिर आप जो पुराने विचारक हैं, क्लासिकल विचारक हैं, उनको हल कीजिए, फिर इंडियन सोसाइटी पढ़िए, फिर इंडियन थिंकर्स पढ़िए, फिर मॉडर्निटी, पोस्ट मॉडर्निटी, औद्योगिक समाज, नगरीय समाज, इन पे आइए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें नोट्स है वो बनाने हैं, पहले चीजों को पढ़ना है। बुक्स में बता चुका हूं, सारी की सारी बहुत अच्छी पुस्तक है। हाँ, एक जेपी सिंह की पुस्तक और है, पीएचआई प्रकाशन की है, समाजशास्त्र के नाम से भी है, वो भी बहुत शानदार पुस्तकें हैं। जेपी सिंह जी भी काफी, लिखने की शैली है वो काफी अच्छी है। तो ये किताबें हो गई, प्रकाशन हो गया, ये आप नेट पे सर्च करेंगे, साहित्य भवन पब्लिकेशन, राउत पब्लिकेशन, जो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी है, उसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। और जेपी सिंह जी की मैं बता ही चुका हूं, एनसीईआरटी आपको अगर नेट से डायरेक्ट ही आप डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपको लैंग्वेज टफ लगती है तो आप वीडियोज देख सकते हैं। तो इस प्रकार से टॉपिक वाइज टॉपिक आप है वो क्लियर करते जाइए। और मैं एक बात फिर कहता हूं कि समाजशास्त्र बहुत सारी डेफिनेशन है वो एक साथ याद नहीं होने वाली है, आप पहली बार पढ़ेंगे, दूसरी बार पढ़ेंगे, जब तीसरी बार पढ़ोगे ना फिर जाकर आपको समाजशास्त्र समझ में आएगा। पहली बार, दूसरी बार और तीसरी बार आपके कंसेप्ट क्लियर होने स्टार्ट होंगे। आप पहली बार पढ़ के तो आपको लगेगा कि ये तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं कर पाऊंगा, दूसरी बार लगेगा कि हाँ कुछ समझ में आ रहा है, तीसरी बार जाकर जब हम पढ़ेंगे तब आएगा। तो मेहनत तो अपने को करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत के कभी किसी को तख्तोताज हासिल नहीं होते हैं। और 2024 में आप प्रण ही ले लीजिए कि मेहनत ही करनी है, कुछ भी हो जाए सिलेक्शन अपने को लेके ही रहना है, सिलेक्शन अपने को लेके ही रहना है, कंपटीशन करना है अपने आप से। कंपटीशन किससे करना है? अपने आप से कंपटीशन करना है कि कल मैंने 4 घंटे पढ़ाई की, आज मैं 4.5 घंटे करूंगा, कल मैं, यानी हर रोज अपने आप से कंपटीशन करो, अपने आप को और बेटर बनाते चले जाएंगे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। मेरा 2018 से इसका व्हाट्सएप का स्टेटस है कि ना किसी से ईर्ष्या, ना किसी से होड, अपनी मंजिले अपनी दौड़। तो अपनी दौड़ को दौड़ते जाइए और दौड़ को और ज्यादा बेहतर बनाते जाइए, मंजिल को मिलना ही पड़ेगा। प्यास जगेगी तो समुंदर भी आपके पास चल के आएगा, बस मेहनत। कहते ना, सच्चा जो भक्ति करता है ईश्वर की तो ईश्वर उसके पास आते हैं। तो अगर हम पूरी मेहनत करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे तो सफलता अपने पास आएगी, उसे आना ही पड़ेगा। लेकिन इतनी प्यास अपने अंदर होनी चाहिए, इतनी प्यास अंदर जगानी पड़ेगी कि समुद्र अपने पास आए, इतनी भक्ति करनी पड़ेगी कि ईश्वर अपने पास आए, इतनी तैयारी करनी पड़ेगी कि सिलेक्शन चलकर अपने पास आए। तो इस प्रकार से तीन है, तीन स्टेज होगी। पहले में आप पढ़ो और वीडियोस देख सकते हैं आप, उससे आपको अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ जाएगी। तो पहली पढ़ाई करनी है या पहले आप वीडियोस देख सकते हैं मेरा, मैं लगभग 200 से ज्यादा वीडियोस बना चुका हूं, आपको सब कंटेंट यहां पे मिल रहा है। लगभग 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 हो चुका है, बाकी तो पेड कोर्स है उनको, उन पे रहता है। और तो पढ़ाई करनी है हमें और वीडियोस देखना है, दोनों एक साथ करेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा और पढ़ाई भी हो गई। 2 नंबर पे आप उनके नोट्स बना लीजिए और 3 नंबर पे आप उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हल करके देख लीजिए। ये 3 स्टेप्स आपके होने चाहिए, पढ़ाई प्लस वीडियोस हमने समझ लिया, फिर अपने नोट्स तैयार कर लिए, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हल करके देख लिए। तो इस प्रकार से 3 चरणों में अपनी पढ़ाई है वो होनी चाहिए। तो ये तो आज की हमारी क्लास थी, ये अभी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, तो जो भी अगर चाहे तो देख सकते हैं।
ऐप पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो उसका लिंक है वो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आपके जो भी क्वेश्चन है वो हम ले लेते हैं। चलना ऊपर से करना स्टार्ट। नमस्कार, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। सोशल वेलफेयर ऑफिसर, देखो सोशल वेलफेयर ऑफिसर है वो केवल समाजशास्त्र और जो समाज सोशल वर्क के स्टूडेंट हैं उनके लिए ही है। तो उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग आप यूट्यूब और जो किताबें मैंने बताई है तो आप देख सकते हैं। बस तीन चरण है वो आपको देखने पड़ेंगे। नेपाल से हूँ, बहुत बहुत लक्ष्मण जी आपको सलाम। आप नेपाल से हमारे वीडियोस देख रहे हैं और लगभग रोज के 200-250 स्टूडेंट होते हैं जो नेपाल से होते हैं। कुछ बांग्लादेश, म्यांमार, इजिप्ट से भी, यूके, यूएसए, शायद वहाँ भी लोग यहाँ के स्टूडेंट हैं जो हिंदी भाषी हैं वो भी देख रहे होंगे। बीपीएससी 2.0 पीजीटी सोशियोलॉजी में आपकी काफ़ी मदद मिली है, सफलताएँ भी अर्जित की है। कुछ अंकों से एसपल हो गए हैं लेकिन इतना तय है कि आपकी क्लास शानदार है, साधुवाद। बिल्कुल वो बात कही है वो आपके लिए ही है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आगे है राजस्थान पीजीटी, अभी राजस्थान पीजीटी की वैकेंसी आई नहीं है, आने वाली है। आगे नीचे चलना थोड़ा सा। बुक लिस्ट है वो बता दिए मैंने, पब्लिकेशन आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। नेट के लिए और बीपीएससी के लिए मैंने अलग से वीडियोज बनाया हुआ है जहां पे पूरा का पूरे उनको एक एक सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें हैं वो मैंने बताई है। चलना आगे चलना। ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है, हो जाएगा ऐप डाउनलोड, क्यों नहीं होगा। थोड़ा सा डिस्काउंट है वो और कर दीजिए। मैं बता रहा हूं कि जो आप अगर देखोगे तो मैंने बहुत न्यूनतम रेट रखे हैं, लगभग अभी 35% ऑफ ही हो रहा है, तो 1500-2000 में तो एक दो किताब खरीदोगे ना तो आती है। 1500-2000 रुपये तो दो तीन किताब खरीदने के लग जाते हैं, उतने में मैं दे रहा हूँ। फिर भी अगर किसी को कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप कॉल कर सकते हैं, तो हम देखेंगे, हो सकेगा तो जरूर जो भी करेंगे। आगे चलना। बीपीएससी सोशियोलॉजी पेड यूपी और के लिए, यूपी पीजीटी के लिए जो है वही सेम बीपीएससी के लिए, पीजीटी के लिए कोर्स है। हिंदी में जहां तक मैं सोच रहा हूं कि अपना जो यूट्यूब चैनल है वो भारत का नंबर वन यूट्यूब चैनल है और आप लोगों का इसी प्रकार से सहयोग रहा, ईश्वर की मर्जी रही, तो हम वो मुकाम भी हासिल करेंगे कि अंग्रेजी में भी सीखेंगे और फिर पढ़ाएंगे भी। हरिकृष्ण रावत के कम राइटर्स के बारे में, राइटर्स देखो, हरिकृष्ण रावत जी की किताब है सामाजिक चिंतक, प्रमुख सामाजिक चिंतक, उसमें मान के चलिए कि लगभग 200-250 थिंकर्स के बारे में दिया हुआ है। अब उसके बारे में थोड़ा कम दिया क्योंकि पूरी तो नहीं कर सकते ना, पूरा देंगे तो पता नहीं किताब के कितने वॉल्यूम निकालने पड़ेंगे। हाँ, एनसीईआरटी के लिए लगभग महीने भर में है वो मैं बुक्स निकालने वाला हूँ, एनसीईआरटी की बुक है वो मार्केट में आ जाएगी। आगे चलना, लास्ट भी चलो। यूथ में बहुत गलत दिया हुआ है क्वेश्चन, देखो जब हम ऑब्जेक्टिव हल करते हैं तो ऑप्शन, कुछ ऑप्शन गलत होने की संभावना रहती है। बीपीएससी बनाता है, आरपीएससी बनाता है, एमपीपीएससी बनाता है, यूपीएससी बनाता है, कोई भी एग्जाम बनाएगा और वो जब फाइनल आंसर की जारी करते हैं उनमें भी कुछ गलतियां होती है, यानी उनको 100 क्वेश्चन बनाने हैं और फिर भी वो 2-3 के आंसर गलत दे देते हैं, हो जाते हैं। तो ये एक पढ़ने वाले की विशेषता होगी कि वो उनकी पहचान करें।
वेलफेयर के बारे में मैंने बता दिया है। हाँ, लेडी सुपरवाइजर झारखंड लेडी सुपरवाइजर के लिए भी यही है। और आप यूथ सॉरी वो साहित्य भवन वाली बड़ी बुक आती है झारखंड लेडी सुपरवाइजर के लिए, वो आप पुस्तक है वो पढ़ सकते हैं। लास्ट लास्ट चलो अब चलो ठीक है। आप जो भी क्वेश्चन है वो शायद अब नहीं रहे हैं। तैयारी कैसे करें ये भी मैंने वीडियोस में बता चुका हूँ, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए किस प्रकार से अपने को तैयारी करनी है। एक जो अब की बार आरपीएससी में टॉप वन रैंक थी मुकेश लकेश कुमावत जी, और थर्ड रैंक थी जगदीश जानी की, उनका वीडियो मैं करवा चुका हूँ। तो उसमें हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार से तैयार है वो करनी चाहिए अपने को। चलो ठीक है, आपने इतने प्रेम से मुझे सुना इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर।